भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको मोहिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में दो बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी अपने आप में सर्वोत्तम मानी गई है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आएगी उसका नाम है मोहिनी एकादशी। और इस बार मोहिनी एकादशी जो कि 23 मई 2021 रविवार के दिन है। क्योंकि एकादशी तिथि की यदि हम गणना करें तो 22 मई 2021 शनिवार को सुबह 9:15 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 23 मई 2021 रविवार को सुबह 6:45 तक एकादशी तिथि रहेगी। यदि हम द्वादशी युक्त तथा सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का व्रत यदि करते हैं और मानते हैं तो वह केवल और केवल 23 मई 2021 को ही रहेगी। वैसे तो कई भक्तजन माताएं बहनें 22 मई को भी करेंगे, लेकिन यदि आप वैष्णव परंपरा के अनुसार और हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 23 मई 2021 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत 23 मई को करेंगे उनको एकादशी व्रत का पारणा 24 मई 2021 सोमवार को सुबह 5:45 से लेकर के 8:30 के बीच में करना चाहिए। लेकिन यदि कोई भक्तजन 22 मई को एकादशी का व्रत करेंगे तो उनको इस व्रत का पारणा 23 मई को सुबह 6:00 से लेकर के 9:00 के बीच में कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आप हमारे मत से और वैष्णव परंपरा से यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 23 मई और केवल 23 मई को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस व्रत का पारणा आपको 24 मई को सुबह 5:45 से लेकर के 8:30 के बीच में कर लेना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो दशमी से लेकर के द्वादशी तक निरंतर चलता रहता है, यानी 3 दिनों तक एकादशी के नियम आपको पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना गया है और जो मनुष्य, जो भक्तजन, जो माताएं बहनें 23 मई को एकादशी का व्रत करेंगे उनको 22 मई को दशमी के नियम पालन करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन सबसे पहला नियम यह होता है कि पराया अन्न उस दिन सेवन नहीं करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए तथा भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन भी चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, उस दिन शहद नहीं खाना चाहिए और उस दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन यानी 23 मई को सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए। उठने के बाद अपने जो भी प्रातःकालीन कार्य होते हैं उनसे निवृत्त होकर के सबसे पहले आप स्नान करें। यदि संभव हो तो तीर्थ जल यदि आपके पास में उपलब्ध है, जैसे गंगा जी का, यमुना जी का, नर्मदा जी का या कोई भी पवित्र नदी का है, तो उसके अपने स्नान करने की बाल्टी में डाल करके और उसमें चाहें तो तिल भी डाल सकते हैं और उस पवित्र जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद में शुद्ध और धुले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद नित्य प्रति का अपना पूजन अर्चन संपन्न करें तथा भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं और उसके बाद भगवान के सामने एक कुशा के आसन पर या कंबल के आसन पर बैठ करके सबसे पहले संकल्प आपको करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। एक होता है निष्काम व्रत, एक होता है सकाम व्रत। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के भगवान के लिए यह व्रत किया जाता है, उसे निष्काम व्रत कहा जाता है। और दूसरा व्रत होता है सकाम व्रत, यानी हम कोई भी कामना यदि हमारी सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाए,
हमें पारिवारिक रूप से सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, या हमारा विवाह हो जाए, या हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, या कोई भी इच्छाएं यदि आपके मन में है और आप इच्छाओं को लेकर के यदि व्रत करते हैं, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही स्थिति में आपको संकल्प जरूर धारण करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन कर ले और उसके बाद आप जो है पवित्र हो जाए, यानी आचमन करके शुद्ध हो जाए, और हाथ की मुद्रा इस प्रकार से आपको कर लेनी चाहिए। और हाथ में आपको जल रखना है और सुपारी रखना है, एक पैसा रखना है, पीले पुष्प रखना है, तुलसी पत्र आपको रखना चाहिए। यदि आप एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस दिन रविवार का दिन है और रविवार के दिन तुलसी जी तोड़ना वर्जित माना जाता है। वैसे तो एकादशी के दिन भी तुलसी जी तोड़ना वर्जित माना जाता है, लेकिन आपके घर में तुलसी जी यदि हवा से कुछ पत्ते गिर जाते हैं तो उनको उठा करके आप उपयोग में ले सकते हैं। और यदि आपके घर में चढ़ाए हुए तुलसी के पत्ते रखे हैं, सूखे तुलसी के पत्ते रखे हैं, उनको भी बार बार धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है, तुलसी जी का बारंबार आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप तुलसी जी का जो पत्ते हैं वो एक दिन पहले ही आपको तोड़ करके रख लेना चाहिए। और संकल्प में आपने ये सब सामग्री रख ली है, उसके बाद आप संकल्प प्रारंभ करेंगे। हम संकल्प आपके लिए संस्कृत में उच्चारित कर रहे हैं, आप चाहें तो हिंदी में आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं। संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना, और संकल्प से ही प्रत्येक अनुष्ठान की, व्रत की, पूजा पाठ की पूर्णता मानी जाती है। तो हाथ में इस प्रकार आपने संकल्प धारण कर लिया, सबसे पहले आप 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण कर लीजिए। मन में आप विष्णु विष्णु बोलने के बाद में आप हम जो बोल रहे हैं उसको श्रवण करिएगा। ओम तिथिर विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेवच योगश्च करुणम विष्णुः सर्वम विष्णुमयम जगत ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशैहि। आप अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने नगर का, अपने शहर का नाम उच्चारण कर लीजिएगा। भारतवर्षैहि मध्य प्रदेशैहि भोपाल मंडलांतर्गतैहि भोपाल नामनी नगरैहि सम्मत 2077 आनंद नाम संवत्सरैहि वैशाख मासैहि शुभैहि शुक्ल पक्षैहि एकादश्यायां तिथौ मोहिनी एकादश्यायां तिथौ रविवासरान्वितायां हस्त दिवस नक्षत्रैहि कन्या राशिस्ते श्री चंद्रैहि वृषभ राशिस्ते श्री सूर्यैहि कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरुः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्तु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ। बोलिए मम आत्मनः, अपना नाम तथा गोत्र आप बोलिएगा। यदि गोत्र नहीं याद है तो अपना सरनेम भी आप उच्चारित कर सकते हैं। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वकार्ये सेवा कार्ये कृषि कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम दशविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याब्द्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे मोहिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहं करिष्ये।
इस प्रकार भगवान के सामने संकल्प आप छोड़ दीजिए। संकल्प छोड़ने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, आज मैं वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मुझे आप पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं इस व्रत को पूर्ण कर सकूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो माताएं बहनें भक्तजन इस समय बीमार अवस्था में चल रहे हैं, उनको कठिन व्रत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्रत यदि वो करना छोड़ देंगे तो व्रत खंडित माना जाएगा। लेकिन वो यदि अच्छा फलाहार करके व्रत करते हैं, दवाई भी खाते हैं, या फिर बिना स्नान किए ही मानसिक रूप से भगवान का स्मरण तथा भजन करेंगे तो भी उनको वही पुण्यफल प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि मन आपका पवित्र होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपका शरीर भी शुद्ध हो। इसलिए आप शुद्ध मन से भगवान का स्मरण करें और मानसिक रूप से एकादशी व्रत को आप धारण करें। अन्न का त्याग करते हुए अच्छी प्रकार से फल आदि वस्तुएं लेकर के और अच्छा फलाहार लेकर के आपको व्रत करना चाहिए। हालांकि इसमें सादे नमक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी फलाहार के रूप में केवल फलाहारी नमक, जो सेंधा नमक होता है, उसी का उपयोग करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं ही मानी जाती है। इसके अलावा फल और फल से निर्मित वस्तुएं सर्वोत्तम फलाहार के रूप में मानी गई है। और भी जो अन्य शुद्ध और पवित्र फलाहार है उनका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल का उपयोग वर्जित माना जाता है। लेकिन कई घरों में एक व्यक्ति एकादशी करते हैं और बाकी लोग भोजन करते हैं, तो वो यदि चाहें तो भोजन कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि घर में चावल नहीं बनना चाहिए। यदि अन्य सदस्य नहीं मानते हैं तो आप उनके लिए चावल बना सकते हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। और एकादशी के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो एकादशी का व्रत करता है उसको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एकादशी व्रत में पान नहीं खाना चाहिए, और एकादशी व्रत के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग या शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी इस दिन नहीं काटना चाहिए, एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन बड़े बुजुर्ग सास ससुर माता पिता का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर में कोई भी याचक, भिखारी या मांगने वाला या जरूरतमंद व्यक्ति आता है, साधु संत आता है या ब्राह्मण आते हैं या फिर बौद्ध भिक्षुक आते हैं, तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, यानी अपनी श्रद्धा भक्ति या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाए तो भी आपको व्रत खंडित नहीं करना चाहिए, यानी उस दिन व्रत तो करना चाहिए लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन करना वर्जित माना जाता है। इसी प्रकार यदि मासिक धर्म में पीरियड में माताएं बहनें आ जाती है तो भी उनको व्रत खंडित नहीं करना चाहिए, व्रत तो करना चाहिए लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन इस दिन नहीं करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें गर्भावस्था में है तो वो भी व्रत का पालन कर सकती है, लेकिन ध्यान रखे कि कठिन व्रत उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो फलाहार करके अच्छी प्रकार से व्रत कर सकते हैं। इसी प्रकार गुरु की आज्ञा से जल पीने से कभी भी व्रत भंग नहीं माना जाता है, इसलिए आप कभी भी ये मन में संशय न रखें कि जल पीने से हमारा व्रत भंग माना जाएगा, और आप पूरी निष्ठा के साथ में एकादशी का व्रत करें। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए, पृथ्वी को खोदना भी नहीं चाहिए, और इस दिन पूजा के लिए जो पुष्प है वो पुष्प आप पेड़ से आज्ञा लेकर के तोड़ सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि पुष्प प्रभु के लिए आप तोड़ रहे हैं और प्रभु के लिए पुष्प तोड़ने में कोई दोष नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी जी एक दिन पहले ही आपको तोड़ करके रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्धता और पवित्रता का ध्यान आपको रखना चाहिए, और एकादशी के दिन आपको रात्रि में जागरण करना चाहिए।
यदि संभव हो तो पूरी रात जाग ले, यदि नहीं जाग सकते हैं तो एक प्रहर, दो प्रहर, चार प्रहर, जितना भी आप जाग सकते हैं उतना जागरण करें। और उसके बाद अगले दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेवे तथा उस दिन आपको व्रत का पारणा करना है, यानी 24 मई 2021 सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि कर्म करे और उसके बाद व्रत पारणा भी इसी प्रकार संकल्प करके करे और उस दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए और ब्राह्मण को वस्त्र दान करे, गौ दान करे, जो भी इच्छा आपकी हो उस प्रकार आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन दिया गया दान कई गुना मनुष्य को फल प्रदान करने वाला होता है। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको एकादशी की कथा ब्राह्मण के मुख से जरूर सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जो मनुष्य ब्राह्मण के मुख से कथा सुनता है उसको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा एवं भक्ति तथा हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। दान का कोई भी प्रमाण नहीं होता है, दान की कोई गणना नहीं होती है, दान तो जितना दिया जाए उतना कम माना जाता है, यानी आपकी जितनी हैसियत हो उसके अनुसार आपको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और आप चाहें तो गौ माता की सेवा करें, गौ माता के निमित्त दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। गरीबों की सेवा करें, उनके निमित्त भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। इसके अलावा रोगियों को भी, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी चल रही है तो ऑक्सीजन, दवाई, फल फ्रूट्स, इंजेक्शन इत्यादि के लिए भी यदि आप एकादशी के दिन दान पुण्य करेंगे तो भी आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। अब हम आपको मोहिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग दूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयंतिम, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वेजयंतिं च मालां। रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन गोप वृंदैः, वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्रावीशत गीत कीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वर मोक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं, गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया तथा उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपके मुखारविंद से मैं जानना चाहता हूं कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है और इस व्रत की कथा क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुमने परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है।
और मोहिनी एकादशी, भगवान नारायण ने मोहिनी रूप इसी दिन धारण किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी हुआ। और इस व्रत को सबसे पहले प्रभु श्री राम ने किया था और अपने कुल गुरु के माध्यम से उन्होंने कथा का श्रवण किया था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, संसार में आकर के मनुष्य केवल प्रारब्ध का भोग ही नहीं भोगता है, अपितु वर्तमान को भक्ति और आराधना से जोड़ करके सुखद भविष्य का निर्माण भी करता है। और मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, और जब मनुष्य के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है, और जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा भी हमें इस बात की ओर संकेत करता है कि हम एकादशी का व्रत करके अपने जन्मों जन्मों के जो भी पाप है उनको नष्ट कर लेवे और अपने भाग्य को जो है पूरी तरह से एक प्रकार से पुण्यवान बना लेवे और पुण्य का संचय करें। मोहिनी एकादशी व्रत से मोह आदि समस्त नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म को या कथा को पढ़ने से या सुनने से 1000 गौ दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन से निकले अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान विष्णु ने ही मोहिनी रूप इसी दिन धारण किया था। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में क्षिप्रा को अमृत दायिनी पुण्य दायिनी कहा गया है, अतः मोहिनी एकादशी पर क्षिप्रा जी का विशेष पूजन अर्चन भी करना चाहिए। तत् सोमवती क्षिप्रा विख्याता यदि पुण्यदा पवित्राय। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में देवताओं तथा दैत्यों को अमृत का वितरण किया था, इसीलिए यहां पर अमृत महोत्सव मनाया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है, अवंतिका है, उसी स्थान पर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राक्षसों को चकित कर दिया था और देवताओं को अमृत पान करवाया था। यही दिन देवासुर संग्राम के समापन का दिन भी माना जाता है। मोहिनी एकादशी के अवसर पर सभी भक्तों को भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवान विष्णु को चंदन जौ आदि वस्तुएं अर्पित करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मोहिनी एकादशी का व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है, अतः हमें अपने जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोजना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है परम सावधानी का व्रत होता है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है और मोहिनी एकादशी का व्रत समस्त पापों का क्षय करता है तथा व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव में वृद्धि करता है, यानी मोहन जो सम्मोहन शक्ति मनुष्य की होती है उसमें वृद्धि करता है। जब आप किसी के सामने जाएंगे और आपने यदि मोहिनी एकादशी का व्रत किया है या कथा का श्रवण किया है तो आपके अंदर एक सम्मोहन की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि हे राजन, मोहिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के पापों का क्षय करके उसके पुण्यों का उदय करवाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत समाज, परिवार तथा देश में प्रतिष्ठा दिलवाता है और उस मनुष्य की ख्याति चहुं ओर फैलने लगती है। मोहिनी एकादशी का व्रत सभी मोह बंधन से मुक्त कराने वाला है और समस्त पापों का नाशक माना गया है। एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के पश्चात मिलने वाली नरक की सजाओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने से मोह माया के बंधन से मनुष्य छूट करके धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत के विषय में सबसे पहली बार जो कथा श्रवण करवाई थी वो महर्षि वशिष्ठ ने करवाई थी
और भगवान विष्णु ने जब राम के रूप में अवतार लिया था, यानी अयोध्या में प्रभु श्री राम का जब अवतरण हुआ था, तो महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से पहली बार मोहिनी एकादशी की कथा सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत मुझे आप बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुखों को सहन किया है, कई प्रकार के कष्टों को झेला है। उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, आपने बहुत ही सुंदर और उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपने परोपकार के लिए, लोक हित के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट करके मोह जाल से मुक्त हो जाता है। और मैं इसकी प्राचीन और पौराणिक जो कथा है वह तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम सुनो, सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान और धनवान भी था, परोपकारी था, अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति किया करता था। उसके नगर में धन धान्य से संपन्न पुण्यवान एक धर्मपाल नामक वैश्य भी निवास करता था। वह अत्यंत धर्मालु था, भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। वह वैश्य अनेक प्रकार के परोपकारी और पुण्यमयी कार्य निरंतर किया करता था। उस बनिए ने उस नगर में अनेक प्रकार के परोपकारी कार्य किए थे, जैसे गरीबों के लिए, दीनहीनों के लिए उसने भोजनालय का निर्माण किया था, यानी कई जगह उसके नाम से भोजनालय, भंडारे आदि चलते रहते थे। प्याऊ उसने लगवाए थे, कुएं उसने बनवाए थे, सरोवर उसने बनवाए थे, धर्मशाला आदि भी उसने बनवाई थी। सड़कों पर आम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, नीम के वृक्ष भी उसने लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इस प्रकार 5 पुत्र उसके थे और 4 पुत्र तो बड़े ही धर्मात्मा और दयालु तथा ज्ञानी थे। लेकिन उसका जो 5वां पुत्र था, उसका नाम था दृष्टबुद्धि। वह बड़ा ही पापी और दुराचारी था। दृष्टबुद्धि जो उसका 5वां पुत्र था, वह अपने पितरों को भी नहीं मानता था, कोई धर्म कर्म पुण्य कर्म कभी नहीं करता था, दान पुण्य में बिल्कुल भी उसकी रुचि नहीं थी। वह वेश्यागामी हो गया, दुराचारी हो गया, मदिरा पान करने लगा और बुरे बुरे लोगों की संगति करने लगा, जुआ खेलता रहा, पर स्त्री का भोग विलास करता रहा तथा मांस मदिरा का निरंतर सेवन करता रहा। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद में वह अपने गहने कपड़े बेच करके वह आनंद को प्राप्त करता रहा। लेकिन उसने अपने समस्त गहने कपड़े बिक गए और उसके पास सब कुछ नष्ट हो चुका था, उसका पूरा धन नष्ट हो गया। तब उसने जो है वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखित होकर के इधर उधर भटकने लगा। कोई सहारा न देख करके उसने डाका डालना प्रारंभ कर दिया, चोरी करना प्रारंभ कर दिया और राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वैश्य का पुत्र जान करके चेतावनी दे करके एक बार तो छोड़ दिया, मगर पुनः एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। उसको उस कारावास में कठोर से कठोर सजा दी गई, दुख दिए गए तथा बाद में राजा ने उससे त्रस्त होकर उसे देश निकाला दे दिया, यानी अपने राज्य से ही बाहर जाने को कह दिया। वह उनकी नगरी से बाहर निकल करके एक जंगल में चला गया। वह वन्य पशुओं पक्षियों को शिकार करके खाने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में वह एक बड़ा भारी खतरनाक शिकारी बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा।
एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना था और कौंडिन्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आ ही रहे थे। उनके भींगे हुए वस्त्रों के छींटे उस पापी दुराचारी के ऊपर गिर गए। परम सिद्ध कौंडिन्य ऋषि के स्नान के छींटे उस पापी दुराचारी के ऊपर गिरने से उसकी बुद्धि कुछ अच्छी हो गई, यानी सद्बुद्धि उसे प्राप्त हुई और उसने हाथ जोड़ करके कौंडिन्य मुनि से प्रार्थना करके कहा कि हे ऋषिवर, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, बहुत से कुकर्म किए हैं, अपने पिता को भी मैंने अपमानित किया है और जितने भी प्रकार के पाप है, बुराई है, वो सब मेरे द्वारा हो चुकी है और अब आपसे मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि इन बड़े बड़े पापों से छूटने का कोई साधारण सा बिना धन खर्च करे ऐसा उपाय बताइए कि मैं इन सब पापों से मुक्त हो जाऊं। उसकी दीन वाणी को सुनकर के, उसके वचन को सुनकर के कौंडिन्य ऋषि प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोले कि हे बालक, तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि के वचन को सुन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा सारा विधि विधान जिस प्रकार बताया था उसी विधि से उस व्यक्ति ने जो है, उस शिकारी ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उस दुराचारी के, उस दुष्टात्मा के सारे पाप जल करके भस्म हो गए और अंत समय में जब उसका अंत समय आया तो उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और वैकुंठ लोक से भगवान के पार्षद, भगवान के दूत, भगवान के जो गण होते हैं वो उसके लिए एक सुंदर विमान लेकर आए और उस विमान में बैठ करके सशरीर सुंदर दिव्य रूप को धारण करते हुए वह पापी दुराचारी वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप मोहिनी एकादशी के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, जैसे आप फलाहार के निमित्त दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, गौ दान, या फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी दान पुण्य यदि करना चाहते हैं तो उसके निमित्त नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके यदि प्रदान करेंगे तो मोहिनी एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। हम सब मिल करके अभी आरती का गायन करेंगे।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहु दयामय, किस विध मिलहु दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, घर पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकती है। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।